दीदी। सुप्रभात राधे राधे दोस्तों। तो मॉर्निंग का समय है, 4:30 बज रहे हैं और मौसम का नज़ारा कितना प्यारा है। तो दोस्तों यही एक पल होता है ना मॉर्निंग को, जिसमें कहीं से शोर शराबा कहीं की कोई परेशानी नहीं आती होती है। तो मैं आ गई हूँ फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होने आती हूँ ना तो एक चक्कर छत पर हो ही जाता है। और कुछ दिनों से मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो रही है क्योंकि त्यौहारों में फंसी हूँ, इधर उधर से काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो लेट से उठ पाती हूँ तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए इस समय ना मैं ब्रश करते करते मौसम का नज़ारा ले लेती हूँ। और दोस्तों दिन भर में यही लगी हुई रहती है, हम महिलाओं के किचन से फुर्सत ही नहीं मिलता है, आज त्यौहार आज ये काम, तो बस इसी एनर्जी के साथ अपने कामों को स्टार्टिंग करती हूँ सुबह मॉर्निंग से जल्दी उठ के। तो दोस्तों जल्दी मॉर्निंग उठने का फ़ायदा यही होता है ना, सारे काम आराम से हो जाते हैं। और मैं बच्चों लोग के लिए बना रही हूँ अप्पे, आलू डाल के आलू मसाला मैंने रेडी किया है, क्योंकि आज बिना प्याज का बनने वाला है, क्योंकि आज मनसा पूजा है, फास्टिंग है हमारी, तो आज दिन भर ऐसे ही रहेगा और ना ही मेरी पानी भी नहीं पी सकती हूँ इस त्यौहार में, एक बार ही जब पूजा होगी तभी शाम को ही चलेगा, यानी 7-8 बज जाता है। तो दोस्तों फिर भी फुल एनर्जी के साथ अपने कामों को निपटाती हूँ और यहाँ पे बेटी को अप्पे दे दी हूँ और ये हो गई है रेडी। तो मुझे सिंपल सा यही अच्छा लगा, मुझे दिमाग में यही घुसा कि मैं अप्पे बना देती हूँ। और ये देखिए निकल रही है, तो ये जा रही है गुड़िया लेके, क्योंकि अभी जन्माष्टमी के उससे मैं ना अभी गुड़िया लेके इसकी मैम बुलाई है। और बेटी को छोड़ के आने के बाद चली गई थी दूध लाने के लिए, तो सुबह भागम भागी वाली काम हो जाती है, मॉर्निंग को ना कोई एक जरा से भी खेल नहीं आता है। तो बस यहाँ पे सुबह से लगी हुई हूँ, तो यहाँ पे कर रही हूँ, बेटा भी निकल गया है और बस मुझे सिंपल सा यही आज मैंने अप्पे बनाए थे, क्योंकि दोनों बच्चे को ही ब्रेकफास्ट करने हैं, इसके पापा सुबह ही 5 बजे निकल चुके हैं, तो बस हो गई है और हमारी तो ब्रेकफास्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेड को सेट, और यहाँ पे मेरे ये मेरा सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने बेड को सेट करने के लिए। तो रोज़ की वही काम होते हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ता है, यदि हम ना करें तो घर बिखेरा सा और मैसी सा हो लगेगा। तो बस यहाँ पे अपने कामों को निपटा रही हूँ और फुल एनर्जी के साथ आज फास्टिंग में भी मेरा काम चलता है, क्योंकि आज एक तरह सा आराम भी नहीं है, क्योंकि आज काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होता है वर्क के दिनों में, क्योंकि हमारे गांव में माँ मनसा की पूजा होती है ना, तो आज फास्टिंग भी है। और आज ना आज फास्टिंग के दिन ही हमारे यहाँ चावल के पुआ बनता है, तो मुझे भी बनाना है क्योंकि उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि इस समय ये जो होते हैं ना पूजा त्यौहार, तो इन चीज़ों को भी खास ध्यान रखना पड़ता है घर गृहस्थ जीवन में। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए थे, और यहाँ पे बस मैं अपने सिंक को भी अच्छा से चकाचक चमका दी हूँ, तो सारा क्लीनिंग काम हो चुका है। और यहाँ पे मैंने फिनाइल की गोली डाल दी है ताकि बरसात में कोई भी जो होते हैं ना कीटाणु आते हैं ना वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मेरा किचन क्लीनिंग हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो 250 ग्राम की पोहा है, इसी में मैं चावल को ना वाइट वाली चावल को दे रही हूँ, भिगो के रखूँगी, नहा के आऊँगी ना तो ये आराम से भीग जाएगी, यानी अच्छा सा फूल जाएगा। तो बस यहाँ पे नहा धो के आने के बाद मेरी मॉर्निंग वाली पूजा हो गई है, बालों को मैं कर रही हूँ उससे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्त आपसे भी कैसे, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे होंगे। तो दोस्तों अभी ना मैंने चावल चढ़ा दिया है और लंच की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि पुआ बनाना है और पूजा भी है, और मुझे ना हल्के हल्के पानी प्यास भी लग गया है, क्योंकि धूप काफ़ी चटकती है और जब तक पूजा नहीं होगी तब तक पानी नहीं पिया जाएगा। तो गाँव से जब भी जो भी फूल होता है ना वगैरह चढ़ता है माता रानी को, और वो फूल गिरती है तब पूजा पूर्ण हो जाती है जो जो फास्टिंग करते हैं। तो बस मेरा भी प्रसादी वहीं का जाएगा, और जाने वाली थी लेकिन सासू माँ जाएगी ना तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक सदस्य कोई जा रहा है ना, क्योंकि बेटे को लेके जाऊंगी बाइक से, आना फिर रोड लौटना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सासू माँ जा रही है तो वो चलेगा, घर का कोई सदस्य जा ही रहा है। और फास्टिंग में ना सफ़र करने में भी ज़्यादा थकावट सी हो जाती है, तो मैं पुआ बना रही हूँ, चावल का पुआ, दूध वाली और गुड़ की। और दोस्तों यहाँ पे मैंने मिक्सी निकाल दिया है, लंच की भी बना रही हूँ, क्योंकि बस ये लोग को भी आके खाना भी लोग के लिए चाहिए। तो मैं बस आज कुछ काम ज़्यादा है, और ना यहाँ पे मैं चावल को भी
यहाँ चावल का आटा तैयार करूँगी, तभी पुआ की रेडी करूँगी। तो ये सब कामों को देखती हूँ तो अपनी मम्मी का याद आ जा रहा है, क्योंकि मम्मी भी त्योहारों में ऐसे बिजी रहती थी ना, हम लोग कहते थे मम्मी कितना काम करती है, तो आज वही पल याद आ गया है कि किसी जिसके घर में मम्मी होती है ना, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो बस त्यौहार है और बच्चों लोग के लिए इस बहाने पुआ भी बन जाते हैं, और हमारे यहाँ ना फास्टिंग के दिनों में चावल का पुआ बनाना ज़रूरी होता है। तो बस ही मैं यहाँ पे चढ़ाने के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो चढ़ाने वाला होता है ना, वो जो लकड़ी का जो आता है चावल पीसने वाला, उसे बनती है, तो गाँव में उसी से बनेगी। तो मैं फल चढ़ाती हूँ और ये बच्चों लोग के खाने के लिए मैं बनाती हूँ। तो आज नहीं खाएंगे क्योंकि जब तक वहाँ पूजा नहीं होगी नेक्स्ट डे में खाया जाता है, आज इसको बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मिक्सी वाला जो आटा से बनेगा ना, वो चढ़ाने के लिए नहीं होता है हमारे इधर। तो बस गांव में तो हूँ नहीं कि चावल पिसाई करूँगी लकड़ी वाले से, तो बस मिक्सी में ही बनाती हूँ और फर्स्ट टाइम पुआ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आती है, लेकिन समय के अनुसार सब चीज़ सीखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने चावल का आटा रेडी कर दिया था, और यहाँ पे मैंने ये कच्चा दूध लिया है, इसमें मैंने गुड़ भिगो के रख दी हूँ, और इसमें मैं एक थोड़ा सा आटा डालूँगी, तो इससे ना सॉफ्ट पुआ बनती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये गांव वाली चावल और गुड़ की पुआ बना रही हूँ दूध वाली, तो इसमें मैंने दूध डाला था, और बस ये चावल का है ना, ये चावल का आटा डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि बेटर ज़्यादा गीली ना हो, और मैं इसमें दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो दूध भी डालूँगी। तो ये पुआ ना काफ़ी टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो बस पूजा के बहाने ये सब बन भी जाते हैं, और ये सब देखती हूँ ना तो मम्मी की ज़रूर याद आ जाती है, क्योंकि मम्मी बनाती थी ना तो टेंशन नहीं होता था, और यहाँ हमारे मायके में मनसा पूजा नहीं हो रही है ना, इसीलिए नहीं तो मुझे ये सब बनाना नहीं पड़ता था, मायके से आ ही जाती है। तो बस त्यौहार का समय है, बस लोगों के लिए बनाना ही पड़ता है। और ये देखिए मैंने बैटर रेडी कर दिया, इसको ढक दूंगी। तो बस जैसे मैंने ना आधे घंटे तक इसे बैटर को ढक के रख दिया था, और पुआ के रेडी कर रही थी, और एक तरफ मेरी ना लंच की भी बन रही है सब्जियां। तो बस एक माँ को ये सब जिम्मेवारियाँ लेनी ही पड़ती है जब अपना समय आता है। तो बस मैं भी अभी अपने बच्चों के लिए पुआ रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए दूध वाली पुआ, ना इसमें सोडा पड़ता है, कुछ भी नहीं, ये काफ़ी टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है, इसमें तेल भी कम ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पुआ बन के रेडी हो रही है, और ये खासकर गुड़ की बनती है ना, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये पुआ एक एक करके बनती है ना, तो मैं थक गई थी, तो इसीलिए मैं नीचे में बैठ के बना रही हूँ, और मेरे सारे पुए बन के रेडी हो चुके थे, बच्चे लोग भी आ गए थे, उन लोगों को मैं लंच मैंने दे दिया था। तो फास्टिंग वाले दिन भी बिना पानी पिए ही अपने फुल एनर्जी के साथ सुबह से लग गई हूँ, अपने कामों को फटाफट से किया, और बस व्रत के लिए मैंने चावल और दूध का पुआ भी बनाया है, और मैंने एक और पुआ बनाई है जिसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है। तो ये है गुड़ का और चावल का आटे का ही बनाई है, ये काफ़ी करारी होती है, इसे स्टोर करके आप रख सकते हो, इसे एरसा पीठा बोला जाता है, हमारे झारखंड की ये फेमस पीठा है एरसा पीठा। तो मैंने दो तरह की पीठा बनाई थी, और ये शाम का समय है, शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं, मैंने संध्या पूजन कर दिया था, और बस यहाँ पे माँ मनसा यानी मनसा मैया के नाम से एक मैंने दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर रही हूँ। इनके पापा गए हैं गाँव बेटी को लेके क्योंकि प्रसाद के लिए, और सासू माँ लोग भी गई हैं, तो बस मैं घर पे हूँ और बेटा अकेला रहता है, इसलिए मैं घर पे रुक गई थी, और यहाँ माँ मनसा के नाम से मैं यहाँ पे दीप लगाई हूँ, नहा धो के शाम को नहा धो के आई हूँ, और बस बैठूँगी, जब तक हमारे गाँव में फूल नहीं गिरेगा ना तब तक हम पानी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो बस ये देखिए मैं उठ गई थी, और यहाँ पे गांव से फोन आ गया था, तो गांव में देखिए ऐसी पूजा होती है, जब तक माँ मनसा का फूल नहीं गिरता है ना तो पूजा नहीं होती है। हूँ और गांव से फोन आ चुका है इनके पापा का, तो वहाँ की पूजा हो गई है, मतलब जो माँ मनसा के नाम पे फूल गिरता है ना वो गिर चुका है, तब मैं करूँगी, पानी वानी पीऊँगी, बड़ों का आशीर्वाद लूँगी तब। तो दोस्तों मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बाय बाय।